की कथाएं आप सुन रहे हैं। और सतयुग आप सभी के समझने के लिए अगर बोला जाए तो 17,28,000 वर्ष पुराना ये सतयुग है। इसमें कई कथाएं आती है और मैं भी हरि विष्णु की एक ऐसी अवतार की कथा आपको सतयुग के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। सतयुग में जब देवताओं के मन में अभिमान आ जाता है और अभिमान के चलते ऋषि दुर्वासा का अपमान कर देते हैं तो ऋषि दुर्वासा ये श्राप देते हैं कि समय आने पर तुम्हारी शक्ति हीन हो जाएगी। आज जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान विष्णु कुर में अवतार लेते हैं, यानी कछुओं के अवतार में प्रकट होते हैं। आइए क्या होता है। सतयुग में जब ने लिया कछुए का अवतार, सागर मंथन करा दिया जग के पालन। क्योंकि देवताओं के मन में ये अभिलाषा थी कि जो भी रत्न इस सागर के अंदर छिपे हैं वो बाहर कैसे आए। ऐसी इच्छा के साथ में सारे देवता दानव मिलकर सागर मंथन करते हुए क्या होता है, देवे और दानव ने क्या होता है, देवे और दानव ने अजी मिलकर है ठानी और शुरू हो रही हो रही सत्य युग की कहानी, शुरू हो रही सत्य युग की कहानी, शुरू हो रही सत्य युग की कहानी, शुरू हो रही सत्य युग की कहानी। देवे और दानव ने, देवे और दानव ने, देवे और दानव ने, देवे और दानव ने मिलकर ठानी। शुरू हो रही सत्य युग की कहानी, शुरू हो रही सत्य युग की कहानी। क्योंकि आज देवता दानव मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे हैं लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी शक्तिहीन है। क्या होता है, देवे और दानव गांव में गीने हुए हैं, देवे और दानव गांव में
है क्या होता है सारे सकीति हीन हुए और दानव ने मिलकर खानी तो आज जब ऐसी शक्तिहीन घड़ी आज दानव और देनव की हो जाती है तो भगवान हरि विष्णु से प्रार्थना करते कहते हैं हे प्रभु ओ अभी भी है मौका कहते हैं अभी भी है मौका ये तुमसे कहें हम हे प्रभु आकर प्रभु जी आकर प्रभु जी शक्ति बढ़ाना क्या होता है सब मिलकर विनती करते हैं कहते हैं विष्णु जी आकर प्रभु जी आकर प्रभु जी शक्ति बढ़ाना और किसी अवतार में प्रभु चले आना किसी अवतार में प्रभु चले आना अभी भी है मौका ये तुमसे कहे हम अभी भी है मौका ये तुमसे अभी भी है मौका ये तुमसे कहे आकर प्रभु जी आकर प्रभु जी शक्ति बढ़ाना किसी अवतार में प्रभु चले आना किसी अवतार में प्रभु चले किसी अवतार में प्रभु चले किसी अवतार में प्रभु चले आना क्योंकि प्रभु हम जो ये काज कर रहे हैं इसे करने में काफी मुसीबत आ रही है सारे दानव देव मिलकर पुकार करते कहते हैं काज में आती मुसीबत भारी काज में आते मुसीबत काज में आते मुसीबत भारी कृपा करो दर्शन धारी कृपा करो है तो दर्शन कृपा करो है तो दर्शन धारी आकर प्रभु जी आकर प्रभु जी हमें है बचाना आज सारे पुकार करते हैं विष्णु जी कहते लगते थे हे प्रभु कब आओगे कब आओगे
में धसे जाएगा क्या, तब आओगे। हे प्रभु, ओ पर्वत धरातल में धसे जाएगा क्या, तब आओगे। हे प्रभु, ऐसा ना हो कि आपके आने में देर हो जाए, वो सारा पर्वत डूब जाए। कहते हैं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, परम सम्मानीय लक्ष्मी नारायण जी, पवार साहब, भैरुंदा, राम बिहार कॉलोनी, आपके से 501 रुपए का आशीर्वाद। एक से एक रुपए का आशीर्वाद। विष्णु भैया पाटिल साहब, जनपद सदस्य, परम आदरणीय भैरव सिंह उइके जी और परम सम्मानीय रमेश सोलंकी सरपंच साहब, आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद। अरे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तब आओगे। हे प्रभु, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, क्या होता है सो सो बारे बारे बंधन देवता करे हैं, मंथन रुक ना जाए डरे हैं। आज सारे देवता पुकार करते कहते हैं सो सो बारे बंधन करे हैं, सो सो बारे मंथन रुक ना जाए देवता डरे हैं। हे प्रभु, हे इच्छा अजूरी, समझो मजबूरी, समझ ना आती है, तुम देर करना नहीं मुश्किल भारी है। कहने लगते हैं आज प्रभु ऐसी लीला रचाते हैं और भगवान शंकर की मदद से बासुकी नाग रस्सी बनते हैं और मंदाचल पर्वत जिसे रई कहते हैं, जिससे मंथन होता है, ऐसी मंथनी बनते हैं, क्या होता है। आज भगवान विष्णु कर्म रूप में अवतार लेते हैं। ओ कछुआ बन के आ गए, 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 और देवों की मुसीबत, देवों की मुसीबत मिटाने विष्णु आ गए, देवों की मुसीबत मिटाने विष्णु आ गए, देवों की मुसीबत मिटाने विष्णु आ गए।
कछुआ बन के आ गए। देवों की मुसीबत मिटाने विष्णु आ गए। और क्या होता है, भगवान विष्णु अपने भक्त के लिए आज कर्म अवतार में आए हैं। ओ ऐसी लीला दिखाई, ओ ऐसी लीला दिखाई जब पीटे लगाई, ऐसी क्योंकि जो पर्वत समुद्र में मंथन के लिए डाला गया वे अंदर धस रहा था, तो भगवान हरि विष्णु ने कुर्म अवतार लेकर के उसे अपने पीठ के ऊपर उसका भार थाम लिया। ऐसी लीला रचाई है, क्या हुआ। ऐसी लीला दिखाई जब पीठ लगाई, मंथन शुरू हुआ है देवों में खुशियां छाई, हरि विष्णु आ गए, हरि विष्णु आ गए, देवों की मुसीबत मिटाने विष्णु आ गए। देवों